वो पुराना वाला टैंक मिलने वाला है। अच्छा। और इन मैं आपको स्टार्ट कर दिखा देता हूँ, इसमें फ़ायदा क्या हुआ है, अब जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो पहले हम अगर सेल दबा देते थे ना तो सेल फ्री घूमता था। अच्छा। तो सेल फ्री घूमने से ना उसको ख़राब होने की मतलब चांसेस ज़्यादा होते थे। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ इसमें चेंज हुआ है पहली बुलेट में, इसमें पहली बुलेट के अंदर जो लोग पसंद करते हैं उसके अंदर ना थोड़ा वाइब्रेशन की दिक्कत थी, थोड़ा वाइब्रेट करती थी, बट यहाँ पर इस गाड़ी वो सीट का था, सीट का जो कुशन है वो पहले जैसी बुलेट का कर दिया गया। वो पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी खरीदने को मिलेगी अपने वही पुराने वाले रेट्रो शेप में। और अगर यहाँ पर बात करते हैं इस लाइट की, तो रेट्रो शेप वाली जो लाइट बुलेट के अंदर पहले आती थी, सेम लाइट जो वही लाइट कंपनी ने इसमें वापस से दी। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों लेकर के आ गए भाई फिर से एक और नया वीडियो। दोस्तों भाई आपने देखा होगा कि अपना रॉयल इनफील्ड का जो 350 है एक अपडेट मॉडल जो है आ चुका है, वही पुराना वाला, जी हाँ, जिसकी जो है आप लोग सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वही मॉडल जो है आ चुका है। साथ में हमारे जो हैं एक एग्जीक्यूटिव हैं अंकित जी, उनसे बात करेंगे जो कि आरी में ही काम करते हैं। और भाई क्या क्या इसमें अपडेट हुआ है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और किस सेगमेंट में ये आने वाला है, और क्या जो इसका जी इससे पहले जो मॉडल आ रहा था क्या वो बंद हो चुका है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक गंगा टीवी पर। थैंक यू संदीप जी, और मोस्ट वेलकम इन न्यू टेक मोटर्स रिठानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप हमारे शोरूम पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रोडक्ट आपके लिए बहुत खास प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ, जिसका आपको भी बहुत दिन से इंतज़ार होगा। और जो बुलेट लवर्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुलेट को पसंद करने वाले लोग थे, जो बहुत दिन से परेशान थे कि हमें पुराना मॉडल चाहिए या जो पहले लुक वाली गाड़ी थी वो चाहिए, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं उन फीडबैक्स को मद्देनज़र रखते हुए अब कुछ मॉडल्स के अंदर चेंज किया हुआ है। तो ये जो मॉडल है स्टैंडर्ड 350 मॉडल है, इसके अंदर क्या चेंजेस आया, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स की OBD2 गाड़ी है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं कर सकते, बट जहां पर लोग पसंद कर रहे थे गाड़ी के लुक को, तो वहां पर कंपनी ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंजिंग की अगर मैं बात करता हूं, जो पहले वाली स्टैंडर्ड आती थी, जो पहले लोग जो पसंद करते थे, उसमें सबसे मेजर जो चेंज था वो सीट का था। सीट का जो कुशन है वो पहले जैसी बुलेट का कर दिया गया है, जो पहले जैसी बुलेट आती थी, जो जो ओल्ड वाली बुलेट थी, इस सीट को वापस उसी शेप में वापस से दे दिया है। और अगर यहाँ पर बात करते हैं इस लाइट की, तो रेट्रो शेप वाली जो लाइट बुलेट के अंदर पहले आती थी, सेम लाइट जो वही लाइट कंपनी ने इसमें वापस से दे दी है, क्योंकि बुलेट के जो लवर्स हैं उसको कंपनी निराश नहीं करना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है बायर्स का कंपनी ने। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कॉस्मेटिक चेंजेस वैसे कुछ ज़्यादा पहले भी नहीं थे और अब नए वाले मॉडल में भी नहीं थे। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वही फुली मेटल आपको, वही बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आप यहाँ ना आपको यहाँ क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से, एवरीथिंग इज़ इन मेटल। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वही आपको पुराना वाला टैंक मिलने वाला है। अच्छा। और इन जी 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 संदीप जी, ये कहना ये है कि जो इससे पहले जो मॉडल आ रहा था जी का, जी तो क्या वो जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है या वो भी आएगा? संदीप जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, वो जो गाड़ी थी उसमें कंपनी ने जो वो जो डिसकंटिन्यू हुआ वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से डिसकंटिन्यू हुआ कि, हाँ, क्योंकि वो गाड़ी BS4 वेरिएंट में आती थी। तो BS4 से BS6 लॉन्च हुआ, उसके बाद BS6 के बाद OBD2 लॉन्च हो गया, तो कहीं ना कहीं कंपनी को वो मॉडल्स अपना डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट उसमें मॉडल्स के अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंज हुए थे जो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा कम पसंद आ रहे थे, तो कंपनी ने उसको भी ध्यान में रखते हुए मॉडल के अंदर वही कॉस्मेटिक चेंज जो पहले वाले थे वही दे दिए गए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं संदीप जी, समय के साथ जो नहीं बदलेगा वो ख़त्म हो जाएगा, ये एक कुदरत की रीत है, हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा और आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ उसमें चेंजेस क्या है, इसमें अंदर ना आप यहाँ पर देखिए, आपको इसके टैंक पैड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको इसमें E20 का एक स्टिकर आपको दिख रहा होगा। तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार जितने भी व्हीकल आज की डेट में हम सेल कर रहे हैं वो सभी E20 नॉर्म्स पे आ गए हैं, क्योंकि फ्यूचर में पेट्रोल जो आएगा वो एथेनॉल मिक्स आने वाला है। तो इसमें के अंदर क्या होगा, 20% एथेनॉल मिक्स हो जाएगा, 80% पेट्रोल होगा, तो पेट्रोल की कीमत है ना कहीं डाउन जाएंगी, जो आप भी चाहते हो और हम भी चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो।
तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और किक की बात करते थे जिसमें J1 सीरीज़ का इंजन दिया गया है। अच्छा। जो बहुत ही बेटर है, 19.1 BHP की पावर जनरेट करता है। की बात करते तो 28 Nm का टॉर्क जनरेट करती है ये गाड़ी। इसका जो इंजन है एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, 350 cc, मतलब 340 cc का इंजन इसको बोलते हैं हम, 350 cc इंजन बोला जाता है। तो इंजन काफ़ी पावरफुल है। इंजन पहले भी 350 cc में आता था, वो इंजन इसमें दिया गया है। बट टेक्नोलॉजी चेंज की गई है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी अगर हमें सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर तो। और ये एक अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक सीधी भाषा में, आप जो BS4 व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप ये वाला पेट्रोल नहीं डलवा पाओगे। डलवाओगे तो देखो फ्यूचर में पेट्रोल दो वेरिएंट में अवेलेबल होने वाला है, एक नॉर्मल एक E20 वाला। तो जो नॉर्मल पेट्रोल होगा ना संदीप जी, उसकी कीमत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बढ़ा देगी, क्योंकि उसको पता है कि E20 व्हीकल ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो सोच के देखो, अगर आपको एक पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिल रहा होगा और वही पेट्रोल आपके बराबर में 88 रुपये लीटर मिल रहा होगा, तो हर आदमी चाहेगा कि मुझे 88 रुपये लीटर वाला पेट्रोल डलवाऊँ। तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अब तो निराशा हाथ लगने वाली है नहीं, क्योंकि लोग जो चाह रहे थे वो कंपनी ने दे दिया है। तो मैं जितने भी बुलेट लवर्स हैं, मैं उनसे आशा करूँगा कि न्यूटेक मोटर्स पे आप आके ये गाड़ी देख सकते हो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। लोकेशन क्या है शोरूम की? लोकेशन की बात करता हूँ सर, तो ये जो शोरूम है ये रिठानी में दिल्ली रोड पर, जो मेरठ से जो दिल्ली रोड जाता है प्रतापपुर के पास में रिठानी है, उसके PNB बैंक के बराबर में जस्ट ये अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है शोरूम। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, बट मैं शेयर कर देता हूँ, 7088713713 पर आप कॉल कर सकते हो। मेरा नाम अंकित है और मैं यहाँ पर एज ए सेल्स मैनेजर काम देखता हूँ। और इसकी अगर मैं सीट हाइट की बात करता हूँ तो 800 mm की इसकी सीट हाइट है। 800 mm की सीट हाइट है, तो उसको इजीली एक लंबा आदमी इसको आराम से चला सकता है। और एक अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो हम इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, कोई भी व्यक्ति इसको आराम से चला सकता है। इस गाड़ी के अंदर आपको वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। और जितनी भी बुलेट गाड़ियाँ हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, उनके अंदर सबके अंदर से वाइब्रेशन को बहुत कम कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका इसमें आपको ड्यूअल मीटर मिल जाता है, एनालॉग विद डिजिटल। बट डिजिटल के अंदर आपको थोड़े से इन्फॉर्मेटिव साइंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर फ्यूल गेज मीटर मिल जाता है, शायद पहली बुलेट में नहीं होता था। इसमें आपको ये भी मिलने वाला है। सिंपली क्या था पहले समय में, बस ये ओनली ये रहता था, ये रहता था, उसमें आपको फ्यूल की जो एफिशिएंसी है ना वो होता था उसके अंदर। वो वैसा वाला आता था, रेट्रो आता था, बट इसके अंदर डिजिटल कर दिया गया है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये आपका ODO मतलब आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हाँ, इससे आप उसका मीटर सेट कर सकते हो, ट्रिप मीटर, इको और आपका ओड मीटर। और यहाँ पर अगर जाते हैं इसके मीटर के अंदर तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव साइंस आपको मिल जाते हैं, जैसे आपके यहाँ बैटरी का सीजन साइंस मिल रहा है। अगर आपकी बैटरी डेड है या डाउन कंडीशन में तो ये आपको यहाँ ब्लिंक करने लगेगा। यहाँ पर ABS दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ड्यूअल चैनल डिस्क, मतलब ड्यूअल डिस्क के साथ आपको सिंगल चैनल ABS भी आपको मिलने वाला है। अच्छा, ये जो इसमें ट्रिप मीटर दिया गया है, तो ये चेंज करना है तो उसके लिए कैसे? आपको अगर चेंज करना है तो आप ये सिंपल जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बटन दिया गया है, आप इसको प्रेस करेंगे आराम से यहाँ पर। ये आपको अगर आपको जीरो करना है तो उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखो। अच्छा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो चुका है। हाँ, ये जीरो हो चुका है बिल्कुल। और अच्छा, इसका मेनली जो बात कर रहे हैं हम, जैसे मीटर की ही बात कर रहे हैं, इसमें एक इको दिखा रहा है, तो इसका क्या? इको और क्या पावर दो मोड होते हैं ना। अच्छा। इको, हाँ, तो अगर ये यहाँ पर तो इको मोड में चल रहा है तो इसको मतलब इसकी जो पावर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। और जहाँ पावर मोड में, हाँ, अगर पावर में चलाएंगे तो इसकी जो इंजन की पावर है वो थोड़ा बढ़ेगी और माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर वह बात करते हैं संदीप जी, तो ये जो आपको साइन दिख रहा है ये व्हीकल चेकअप लाइट का है। अच्छा। इन केस अगर आपकी गाड़ी में सपोज दैट कोई दिक्कत है, तो अभी देखिए अगर ये गाड़ी ऑफ है तो अभी आपको जलता हुआ दिखेगा। अभी मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा तो ये बंद हो गया। तो इसका साइन ये होता है, अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, तो ये अगर स्टार्टिंग पे भी अगर आपको ये जलता हुआ दिख रहा है तो आप अपनी बाइक को किसी भी नज़दीकी सर्विस सेंटर पर चेक करवा सकते हो। और यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है, अगर आपकी गाड़ी रिजर्व में है, फ्यूल कम है, तो ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा। हाँ, और यहाँ पर अगर बात करते हो तो उसमें वही पुराना स्पोक व्हील मिल जाता है, क्योंकि
रेट्रो लुक दिया गया है स्टैंडर्ड को, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो। एम टी ओ लग सकते हैं क्या? यस गाइस, इसमें आपको आराम से, आप क्या करोगे, आप बुलेट आप बाहर लोकल मार्केट में चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको कस्टमाइज़ भी बुक कर सकते हैं। इसमें आपको जो है एलॉय व्हील्स आपको चेंज हो जाएंगे। अच्छा, टायर साइज की अगर बात करी जाए तो जो आगे का टायर्स है, पीछे का टायर्स की बात करें तो कितना वाइडर है? मैं आपको बता देता हूँ संदीप जी, इसमें आपको 190/19 का टायर मिलने वाला है जी। हाँ, और अगर पीछे की बात करता हूँ, लेकिन टायर आपको ट्यूब वाला ही मिलेगा क्योंकि इसके अंदर ना स्पोक दी गई है, और हाँ, और स्पोक के अंदर हम ट्यूबलेस टायर नहीं दे सकते। एलॉय व्हील चलने के बाद में इसके टायर को आप ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और वहीं पीछे की बात करते हो तो आपको 120/80/18 का टायर मिलने वाला है, 120 इसकी जो वाइड मतलब जो साइज़ है इसका, 120/80/18 का टायर इसमें पीछे मिलने वाला है। बट इसमें पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। अच्छा। बट इसमें आपको ABS पीछे नहीं मिलेगा। अच्छा। ABS आपको केवल हाँ फ्रंट में ही आपको ABS देखने को मिलेगा। अच्छा। और वहीं अगर मैं आपको साइलेंसर की बात करूँ तो साइलेंसर आपको बड़ा स्लीक सा डिज़ाइन दिया गया है, और इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ में काफ़ी थंप दिया गया है संदीप जी, आप इसके एग्जॉस्ट नोट को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो आवाज़ में भी काफ़ी संदीप जी काफ़ी बेस है, तो पहले से ज़्यादा थोड़ा सा इसमें बेस दिया गया है। हाँ, इसमें आपको सारे फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। आइए, मैं इसके जो स्विचेस गियर्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर जाएंगे तो इसमें तो थोड़ा सा ना जो चेंज किया गया है, इसका जो किल स्विच है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देगा। पहले आपको स्विच मिलता था, बट यहाँ पर आपको ना एक, मैं आपको स्टार्ट कर दिखा देता हूँ। इसमें फ़ायदा क्या हुआ है, अब जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो पहले हम अगर सेल्फ दबा देते ना तो सेल्फ फ्री घूमता था। अच्छा। तो सेल्फ फ्री घूमने से ना उसको ख़राब होने की मतलब चांसेस ज़्यादा होते थे। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसका ना वो जो काम है वो ख़त्म हो गया। हाँ, अब इसका कुछ काम नहीं है, बट अब बंद करोगे तो बंद हो जाएगा, किल स्विच हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं। अच्छा। यहाँ पर आपको लो मतलब हाई बीम और लो बीम मिल जाता है। अच्छा। पासिंग स्विच आपको यहाँ मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर अगर करोगे तो ये पासिंग हो गई। अच्छा। और ये लो बीम में वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लो बीम रहता है, अगर आप यहाँ कर देंगे तो ये हाई बीम में हो जाएगा। अच्छा। और यहाँ पर अगर जाते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो ये जो स्विच आप देख रहे हो ये इसका हैजर्ड स्विच है। आप देख सकते हो इसमें चारों इंडिकेटर्स आप एक साथ जला सकते हो। कहीं पार्किंग में अगर आप गाड़ी लगा रहे हो तो आप इन इंडिकेटर्स मतलब इस स्विच को दबाकर इसको पार्किंग आराम से कर सकते हो। और इसकी जो लाइट है, जो इसकी हेडलाइट है संदीप जी, उसकी जो विजिबिलिटी है, इसके जो लाइट है ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका लो बीम है, ये इसका हाई बीम है, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको LED वगैरह लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बहुत ब्राइट लाइट है इसकी। नाइट में इसका बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी रहने वाली है। तो कैसी लगी गाइज आपको ये बाइक? बाइक तो ज़बरदस्त है, लेकिन बस अभी कहना ये है कि क्या प्राइस में ऊपर नीचे रहा है? प्राइस देखिए, जहाँ तक मैं अगर बात करता हूँ तो प्राइस सेम ही रहे होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इसके प्राइस आए नहीं है। मैं आशा करूँगा कि लोग इस गाड़ी को आकर ज़रूर देखें और पसंद करें और इसकी टेस्ट राइड बुक कराएं। सर, जो है ये सेल के लिए कब से स्टार्ट है, कुछ ईवी पता चल रहा है? सेल के लिए सर मैं आपको बता देता हूँ, इसका ना पहले इसकी लॉन्चिंग कंपनी के द्वारा होने वाली है। अभी रिसेंटली लॉन्चिंग नहीं की गई है इसकी। जी, जी। तो लॉन्चिंग होने के बाद में कंपनी से जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको शेयर कर देंगे। तो लोग न्यू अपना जो है 350 खरीदना चाहते हैं स्टैंडर्ड, उनको ओल्ड खरीदने की जरूरत है? हाँ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए हुआ है, क्योंकि लोग ना अभी क्या हो रहा था, अपनी पुरानी गाड़ी की कोस्ट ना कहीं हायर उनको मिल रही थी, क्योंकि लोग जा रहे थे कि भाई अब तो ये एक अफीम हो गई है, मतलब उसको एज ए सेल कर रहे थे कि भाई पुरानी गाड़ी है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे रेट मिल रहे थे क्योंकि लोग उसको पसंद ज़्यादा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी खुशखबरी है कि उनको पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी खरीदने को मिलेगी, अपने वही पुराने वाले रेट्रो शेप में, रेट्रो लुक में। तो वही है, और बाकी शोरूम की डिटेल्स मैंने आपको बताई दी है संदीप जी, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में उनको डाल देना। और कैसी लगी आपको ये बाइक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे शोरूम न्यूटेक मोटर्स लिमिटेड रिठानी दिल्ली रोड पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू।